बालक YSP फिल्म्स को सब्सक्राइब करो और आनंद उठाओ, और हाँ घंटा भी दबाना ताकि भगवान के साथ साथ मैं भी खुश हो जाऊं। हेलो गाइस, मैं ऋतिक और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और नई पर्सनैलिटी से। तो चलिए आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बब्बन मियां। ये क्या कर रहे हैं आप ही ने तो कहा स्वागत करो। नहीं, मैंने कहा था कि आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, मेरा स्वागत करती हो? अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या है ना, मेरी आदत में दूसरों का स्वागत करना है, तो मुझे लगा कि कोई आ गया है। हम बजाने वाले हैं, बैंड बजाने वाले, तो हमें तो आता ही दिखता है हर कोई, तो इसलिए मैंने बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो आप करते क्या है? मैं भाइयों के साथ लोगों का बैंड बजाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा बैंड है और मैं उसे बजाता हूँ। कहाँ बजाते हो ये बैंड? कहाँ बजाते हो बैंड? कहाँ बजाता हूँ? मैयत पे। ये क्या मजाक है? बैंड कहाँ बजाते हो ये सवाल है? मुझे ये बतलाओ कि कौन अपनी मैयत पे बैंड बुलाता है? तुम तो अभी मरे भी नहीं। देखो इसको मजाक कहती है। अच्छा, आपके अब्बा का क्या नाम है? अच्छन अब्बा का नाम ही है। तो आजकल आपके अब्बा कहाँ रहते हैं? अब्बा दुआओं में रहते हैं जी। जी, उनका इंतकाल हो गया था 5 साल पहले। तो आजकल लोग आपको शादियों में बुलाते हैं? जी बुलाती हैं। गरीब लोग बुलाते हैं। गरीबों में एक बड़ी दिक्कत है, अल्लाह माफ करे, शाम के 4 बजे से रात के 4 बजे तक है ना, फे 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 बजाते रहो, फुल पावर में बजाना पड़ता है। फेफड़े है ना फूल गए हैं, फुटबॉल की तरह आते हैं ना, लटक रही हैं गिटार की वायर की तरह। अल्लाह कसम, इन्हें बिल्कुल रहम नहीं आता, रात भर डांस करती है। तो फिर बहुत पैसे मिलते होंगे आपको। अच्छे पैसे? अरे भाई पैसे ही तो नहीं मिलती है, बजा के जैसे ही निपटो तो भाई जान कहने लगते हैं कि पैसे तो पापा देंगे। मैंने कहा भाई तो पापा से ले आओ पैसे, तो कहते हैं कि अभी दूल्हा जिद कर रहा है तो अभी तो मुश्किल है। मैंने कहा भाई ये सही है, शादी तुम करो, लड़ाई तुम करो, डांस तुम करो, और पैसे की मैं बोलूं तो कहने लगते हैं दे देंगे, कौन सा भागी जा रहे है। भाई यही बात अगर मैं बजाते वक्त कह दूं कि बजा देंगे, कौन सा दुल्हन भागी जा रही है, तो बुरा मान जाएंगे। सबसे बेकार आपको शादियों में क्या लगता है? खाना नहीं मिलता, यानी सब खाना खा के जा चुके हैं। हम शक्ल देख रहे हैं, हम शाम के 4 बजे से रात के 4 बजे तक लगे हुए हैं, और इनके डांस खत्म नहीं होते। कभी मुर्गा चल ले आया, कभी नागिन चल ले आया, और डांसर तो ऐसे ऐसे कि माइकल जैक्सन इनके आगे आके हाथ जोड़ ले। भाई इतना अच्छा डांस करते हैं क्या लोग? वाही यार महाबकवास, जब मैं कह रहा हूँ कि माइकल जैक्सन इनकी आगे आके हाथ जोड़ लेगा तो इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब ये चल रहा है कि माइकल जैक्सन इनके आगे आएगा, हाथ जोड़ के कहेगा कि डांस की ऐसी तैसी मत करो डांस की ऐसी तैसी। और आपका नाम क्या बताया आपने? बब्बन नाम है मेरा। ये कैसा नाम है? दरअसल बचपन में मैं बब 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 करता था, अब्बा ने की साली का नाम बब बब बब्बन रख दो, रख दिया मेरा नाम। क्या कहा भाई? ऐसे तो ये इंटरव्यू की जगह पूरी फिल्म बन जाएगी। क्या कहा? क्यों कहा? मेरा मत्था खराब हो रही है, अभी मैं ये का चाटा माटा मार दूंगा।
एक दफा ध्यान से सुन लो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। बहरे तो नहीं हो ना, नहीं तो 5 घंटे बाद मुझे पता चले कि तुम बहरे हो और मेरा फिर दिमाग खराब हो जाए। जी नहीं, मुझे बहुत अच्छे से सुनाई देता है। अच्छा ये बताएं, आपके ये जो बैंड है आपके अब्बा छोड़कर गए थे ना? नहीं, अब्बा सिर्फ 11 भाइयों को छोड़कर मरे थे। आपके बाल बिल्कुल गधे की पूंछ की तरह लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये बात गधे के मुंह से और प्यारी लग रही है। तो ढक्कन जी, ओए खींच के मार दूंगा अभी। सॉरी मैंने गलती से गलत नाम बोल दिया। सॉरी मत बोल, नहीं तो अल्लाह कसम यही गाड़ दूंगा। सॉरी मतलब माफी मांगना होता है। अल्लाह माफ करे, मैं तुम्हारे अभी चांटा मार देता हूँ खींच के टाइट। 5 उंगलियां है ना, छप जाएंगी चेहरे पे। फिर मैं सॉरी बोल दूंगा, एक चांटा मारूंगा फिर सॉरी बोल दूंगा, एक चांटा मारूंगा फिर सॉरी बोल दूंगा, एक चांटा फिर सॉरी, एक चांटा फिर सॉरी। ये कंसेप्ट ही बेकार है, गलती माफ होती जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लाल गाल कर देता हूँ और सॉरी कहता जाऊंगा। आइंदा ये कॉन्सेप्ट सॉरी का मेरे सामने मत लाना, समझा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ। ये बताए टिकटॉक बैन हुआ उस पर आपका क्या कहना है? टिकटॉक भाई ये क्या है? अरे एक ऐप था ना जिस पर लोग वीडियो बना के रातों रात में स्टार बन जाते थे। अच्छा टिकटॉक, आपको गलत फहमी हुई है, टिकटॉक स्टार कम चूतिए ज्यादा बनाता था। मेरे बेटे को भी स्टार बनने की ख्वाहिश थी, मैंने पूरी कर दी। पूरी कैसे? जिंदा काट दिया साले को, अब आसमान का स्टार है। अच्छा मोदी जी के काम को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे आपका मतलब है? नहीं, मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या बोल लूं। अच्छा ये बताइए, सरकार जीतने के बाद आपको बैंड बजाने के लिए बुलाती होगी? तुम कितने समझदार हो, मुझे यहीं से समझ में आ गया। क्यों? जो सरकार जीती है वो खुद बैंड बजाएगी ना लोगों का। धीरे धीरे बोलिए, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? मेरे बैंड की क्या जरूरत, सरकार खुद बैंड बजाएगी ना लोगों का। ये सही है जी, ये सही है। इतने ही धीरे बात करनी है ना? बिल्कुल। ये बताइए आपके बैंड में कितने लोग हैं? 1 दर्जन लोग हैं हमारे बैंड में। जरा तेज बोलिए। दोगले हो तुम, अभी तो कह रहे थे धीरे बोलो, अब खुद ही कह रहे हो तेज बोलो। अपनी बात पर टिकते नहीं हो बिल्कुल। ये खराबी है इस पेशे में, झूठ बोलना। चीन के ऊपर आपका क्या कहना? बहरा है चीन, साली वो कुछ भी बोले समझ नहीं आता, इतनी सी आंखें जमीन इतनी चाहिए। अबे साले पहले ढंग की आंखें तो बोलना सीख जाओ। तभी मैंने सोच रखा है मैं नई चीज करने वाला हूँ। हेलो भाईजान, क्या बात कह रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, कुछ नहीं यहाँ तो मैं मजाक कर रहा था, आ रहा हूँ। अरे इंटरव्यू तो आज इंटरव्यू। Hey guys, I hope you enjoyed this video. If you like it, please do like, share and comment your favorite dialogue in the comment section. And don't forget to subscribe ISP Films and buy a product of our country as much as possible.